ग्वालियर के जनकपुरी में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला का उसी के पति और अन्य रिश्तेदारों ने अपहरण कर हत्या कर दी और अपना गुनाह छुपाने के लिए शव को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने महिला की लाश बरामद कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर शहर के गोल पहाड़िया स्थित किशनबाग निवासी 40 वर्षीय रानी जाटव अपने बच्चों के साथ रहती है। 22 साल पहले रानी की शादी गोहद भिंड में हुई थी। 4 साल पति से रिश्ता चला और उसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। पति से उसे 2 बेटे छोटू और विनय भी है। ये दोनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। पहले पति से तलाक के कुछ साल बाद रानी ने विजय सिंह से शादी कर ली। करीब 15 से 16 साल तक यह रिश्ता चला और अब 6 महीने पहले रानी ने विजय से भी तलाक ले लिया। इस बात से विजय काफ़ी बौखलाया हुआ था, जिसके चलते उसने अपने रिश्तेदारों की मदद से महिला का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर शव हाईवे किनारे गड्ढे में फेंक दिया। विवाद का कारण पति पत्नी के बीच तलाक के बाद अचल संपत्ति को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला के पूर्व पति विजय सहित उसके रिश्तेदारों की तलाश शुरू कर दी है। रात में मैं घर पे था, घर से मैं दरवाजे पे खड़ा था, मेरी दोस्त से बात कर रहा था फ़ोन पे। मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने पूछी थी कितनी देर में आ रहे हो, बोले थे बस रोड पे आ गई हूँ मैं, 2 मिनट में अंदर आ रही हूँ। तो मैं दरवाजे पे चढ़ा हुआ, तो दरवाजे पे चढ़ा हुआ ना, मम्मी अंदर गली के अंदर घुसी है, इतने में गाड़ी आई है, बस गाड़ी ब्रेक करके लगाई, उतने मम्मी को डाल के लेकर उतने में घर से भाग के आया, उतने में गाड़ी थी नहीं। अच्छा, गाड़ी बोलो जी, हाँ पिता ही थे, विजय निधार, विनय निधार, धर्मेंद्र निधार और अशोक चतुर सिंह। 10 बजे की घटना हुई है, 10 बजे के समथिंग सुबह, रात में। रात में, हाँ। फिर आपने थाने गए थे? हाँ। थाने में क्या बताया थे? थाने में कुछ नहीं बताया, पहले तो थाने थे कभी चौकी पे जाओ, चौकी से कभी थाने जाओ, फिर 100 नंबर लगाई, फिर रात में FIR दर्ज कराई। ये कल रात की सूचना था, जनगण थाना क्षेत्र में डायल 100 को एक रिपोर्ट मिला है कि कोई बेटे ने सूचना दिया है आपके माँ अपनी माँ को, उनके एक्स हस्बैंड और छोटा बॉय दोनों गाड़ी में ज़बरदस्ती लेके जा रहे, ऐसे सूचना मिला था। उसके बाद हम रात भर पूरा प्रयास किया ये महिला को लोकेट करने के लिए, और सुबह जिस नंबर पे उनके महिला का जो नंबर यूज़ कर रहे थे वो नंबर के लोकेशन लेके इधर नया गांव में जंगल में पूरा तलाशी किया। फिर अराउंड 12 बजे हमें ये कंफर्म हो गया कि महिला का हत्या हुआ है और बॉडी इधर कहीं पे फेंक दिया है। फिर मुखबिर द्वारा हमें बहुत प्रयास किया और सर्चिंग किया, तो अब ग्वालियर साउथ बाईपास में हाईवे के किनारे से बॉडी मिला है। इसमें आरोपी महिला के हस्बैंड और छोटे लड़का है, उनके लिए अब तलाश जारी है और वो अभी फरार है। ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान की रिपोर्ट।